स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज नंबर 13.6. इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट इट कॉस्ट्स रुपीज 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप. इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ रुपीज 20 पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, रेडियस ऑफ द बेस एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल. थ्री थिंग्स यू विल हैव टू फाइंड. फर्स्ट वन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द वेसल. सेकेंड वन, इन रेडियस ऑफ द बेस. एंड थर्ड वन इज कैपेसिटी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द वेसल. सी स्टूडेंट्स, एक चीज बताओ. सपोज मैंने आपने किसी पेंटर को हायर किया अपने घर में और पेंट करने के लिए उसको बुलाया. ओके, पेंटर ने आपका घर देखा, ठीक है, आपका रूम देखा कि एक रूम सपोज आपको पेंट कराना है, उस रूम का जो एरिया है दैट इज 30 by 20, लेंथ उसका 30 meter और वेथ जो है वो 20 meter. दैट इज आपका 600 square meter आपका एरिया हो गया, ठीक है, रूम का एरिया 600 square meter हो गया. अब पेंटर ने रूम देखने के बाद बोला कि सर मैं 20 rupees square meter के हिसाब से पेंट करूँगा. दैट मीन्स उसने क्या किया, 20 rupees बोला तो आपने क्या किया, तुरंत कैलकुलेट किया कि 20 rupees पर मीटर स्क्वायर के रेट से उसको 600 square meter पूरा पेंट करना है तो कॉस्ट कितना आएगा. तुरंत आपने कैलकुलेट किया कि इसको 12,000 rupees इसका कॉस्ट पड़ेगा. ठीक है, समझ में आ रहे हैं. हमने क्या किया, जो उसने रेट बताया उस पर हमने एरिया का मल्टीप्लाई किया और टोटल कॉस्ट निकाल दिया. ठीक, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, ये है एरिया, ये है रेट और ये है कॉस्ट. क्लियर. अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है. इस क्वेश्चन में ये दिया है कि आपको 2200 रुपीस टोटल पेंट का खर्चा है, दैट मींस कॉस्ट दिया हुआ है. वी हैव गिवन द कॉस्ट. रेट इज आल्सो गिवन रुपीस 20 पर मीटर स्क्वायर, रेट भी दिया हुआ है. सो वी विल फाइंड एरिया. यू कैन इजीली फाइंड एरिया. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया. एरिया इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट. ये हो ना, एरिया इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट. मतलब जो भी कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट अपॉन उसका रेट, वो मिल जाएगा क्या अपन को, एरिया. समझ आ रहा है. सो हम यही चीज यहां करेंगे. वी हैव गिवन दैट कॉस्ट ऑफ द इट इज सॉल्यूशन गिवन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू रुपीज 2200. क्लियर. नाउ रेट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू रुपीज 20 पर मीटर स्क्वायर. क्लियर. देयरफॉर एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू 2200 अपॉन 20, दैट इज 110. 0 कैंसिल एंड 110 मीटर स्क्वायर. अब इतना एरिया उसको पेंट करना है और पेंटिंग का सरफेस कैसा है, कर्व्ड सरफेस. किसका, सिलेंड्रिकल वेसल का. समझ आ रहा है. अब सिलेंड्रिकल वेसल का कर्व्ड एरिया उसको पेंट करना, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करना है. ठीक है, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स ये जो पार्ट, ये जो एरिया हुआ, ये क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्विवेलेंट हुआ. क्लियर. सो दिस इंप्लाइज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर, इज इट. अब कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, 2πRH. तो 2πRH इज इक्वल टू
110. H is also given. H is given. H is not given. So here 2πRH 2 into 22 upon 7 into R into H. H is given, deep there, depth is given 10 meter. R into 10 is equal to 110. Clear? Yahan likho, H is equal to 10 meter given. So R is equal to 110 into 7 upon 2 into 22 into 10. Clear? So 00 cancel, 11 1 11, 11 2. So 7 upon 4 is the radius of the cylindrical vessel. Okay, now 7 upon 4 is the radius of the cylindrical vessel. Okay, now ye humko pucha tha 7.4, that means kitna aayega 7.4, that means 1.75 is equal to 1.75 meter. Okay, now abhi dekho inner curved surface area, it was 110 meter square. Second, radius of base is 1.75 meter. Now capacity of the vessel, capacity means volume. So capacity of the vessel is equal to pi r square h. Pi 22.7 into r square, that is 7 upon 4 into 7 upon 4 into h, that is 10. Clear? 7 cancel, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 11. Now after multiplying 11 into 7, 77 into 5, 385 upon 4. 385 upon 4 is equal to 385 divided by 4. 4 9s are 36, 25, 4 5s are 4, 6s are 24, 1.028, then 25. 96.25 meter cube is the capacity of the vessel. Okay, so three answer we have find. First one, curved surface area of the cylindrical vessel is 110 meter square. Second one, radius of the base is 1.75 meter. And third one, capacity of the vessel is 96.25 meter cube. Clear, students? So students, pause the video to be noted down.